बाबा रामदेव जिन्होंने कई लोगों की बीमारियों को ठीक कर दिया, योगा को बढ़ावा दिया और बन गए सार योग गुरु, जिसके बाद बाबा बन गए बिजनेसमैन और उन्होंने शुरू किया एक ऐसा बिजनेस जो इंडिया की टॉप कंपनीज में शामिल हो गया, पतंजलि। इंडिया की जनता में बवाल बच चुका था कि एक आयुर्वेदिक ब्रांड, वो भी स्वदेशी, नो मोर केमिकल्स। पर अगर ये सब सही था तो क्यों नेपाल के एक अथॉरिटी ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, क्यों ASCI ने पतंजलि की कई सारी एड्स पर सवाल उठाए थे और क्यों WHO ने इनकी दवाई को नकार दिया था। और इसी के साथ एक ऐसी रियलिटी भी है पतंजलि की जो हमें नहीं पता, पर वहाँ पर काम करने वाले लोगों को जरूर पता है। इन सभी सवालों के जवाब और उस रियलिटी को आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, कैसे हर घर में पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज होने लगे, और आखिर इसकी अचानक राइज का रीजन क्या था? इस राइज के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मेजर रीजन है। सबसे पहला रीजन स्वदेशी ब्रांड, दूसरा आयुर्वेदिक, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट खुद बाबा रामदेव। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। विदेशी सामान का बहिष्कार कीजिए, पतंजलि के प्रोडक्ट एक तो पूर्ण स्वदेशी है, सात्विक है। पतंजलि के स्वदेशी अभियान से जुड़ने का संकल्प लीजिए। द फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ पतंजलि, जिन्होंने अपनी स्टार वैल्यू को इस कंपनी के एक्सपेंशन में काफी अच्छे से यूज किया। हम सभी बाबा रामदेव को एक योग गुरु के नाम से जानते हैं, जिन्होंने योगा को काफी बढ़ावा दिया है, लोगों को योगा करने का सही तरीका सिखाया है, जिसके बाद ये टीवी पर भी नजर आने लगे थे और एक ऐसा जाना माना नाम बन गए थे जिस पर सबने भरोसा किया था। इसके बाद ये कॉन्ट्रोवर्सीज में तो हमें दिखे ही, साथ ही हमें पैनल्स पर भी दिखने लगे थे, जिसके बाद इन्होंने अपने एक साथी आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि की शुरुआत 2006 में की, जिसने अगले 17 सालों में काफी एक्सपेंशन किया और इनकी मेडिसिन FMCG और बीच में इन्होंने जो जीन्स भी निकाली थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और एक ऐसा ब्रांड बनकर सबके सामने आया था जो कि आयुर्वेदिक है, जो कि मेड इन इंडिया है, और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ये ब्रांड लोगों का फेवरेट बन गया। पर रियलिटी क्या सिर्फ यही थी? नहीं, अब हम एक एक करके उन सभी फैक्टर्स ऑफ डार्क साइड को जानेंगे जो आपको भी नहीं पता। पर प्रोडक्ट से पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन पतंजलि आयुर्वेद की बात ही कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि मेक इन इंडिया इनकी सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, उस फैक्टर ने इनकी कंपनी कल्चर को काफी ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट किया। पतंजलि वैसे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG कंपनीज में से एक है, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट 15% से इंक्रीज होता है। पर क्या आपको पता है ये अपने एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी देते हैं? सिर्फ 6,000, वो भी 12 घंटे की शिफ्ट के। और अगर कोई रेज मांगता है तो उसे ऐसा दिखाया जाता है कि भैया आपकी सेवा में ना कुछ कमी रह गई है, क्योंकि एक स्वदेशी ब्रांड में काम करना सेवा ही तो होती है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ अगर कोई बड़ा ऑफिशियल भी आ जाता है तो इन सभी को अपना प्रोडक्शन का काम छोड़कर उनके पैर छूने होते हैं। और अगर हम प्रोडक्शन की बात कर ही रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट्स की बात भी कर लेते हैं, जिस पर कई सवाल उठाए गए हैं कि ये प्रोडक्ट्स असलियत में आयुर्वेदिक हैं भी या नहीं, क्योंकि जब बाबा रामदेव स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी कही हुई हर बात, हर एक फैक्ट सच ही लगती है। इसके कई जवाब रिसर्च में हमारे सामने आए। कोरोनिल तो याद ही होगा ना आपको, कोरोना की पहली आयुर्वेदिक रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है, जिसको लेकर पतंजलि ने खुद क्लेम किया था कि इस दवाई को WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अच्छे से अप्रूव कर दिया जी। जब ये एडवर्टाइजमेंट सामने आई तो काफी लोगों को अच्छे से रिलीफ मिला कि थैंक गॉड पैंडेमिक का सॉल्यूशन मिल गया है। पर क्या ये सच में था? WHO ने खुद रिवील किया कि नहीं, उन्होंने किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिव्यू या सर्टिफाइड बिल्कुल नहीं किया, और ये पतंजलि के किए गए क्लेम्स से बिल्कुल अलग था। इस पर उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने कोविड को ठीक करने के क्लेम नहीं किया, पर ये सच्चाई हम सब जानते हैं। हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। पर क्या ये पहली बार था जब पतंजलि मिसलीडिंग एड्स की वजह से यू लाइमलाइट में आई? इसका जवाब भी है नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है। ASCI जो इंडिया में सभी एडवर्टाइजमेंट्स को वेरीफाई करती है, रेगुलेट करती है, उसने कहा था कि पतंजलि की जो एड्स हैं वो एक तो मिसलीडिंग है और दूसरा अनसस्टेनेबल है। उन्होंने पतंजलि के फ्रूट जूस और दंतकांति को भी पॉइंट आउट किया था और कहा था कि ये जो वादे करते हैं वो पूरे ही नहीं होते, जिसके बाद पतंजलि ने उन पर डिफेमेशन का केस जरूर कर दिया था। पर इन सभी एलिगेशंस ने ऑडियंस के मन में डाउट तो जरूर डाला था। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने पतंजलि की 5 ड्रग्स यानी कि मेडिसिंस की प्रोडक्शन को बैन कर दिया था, फिर क्या रिवोक कर लिया गया। और अभी रिसेंटली नेपाल ड्रग रेगुलेटर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पतंजलि की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर दिव्य फार्मेसी की WHO की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया था। बाकी रिसर्च में हमने एक चीज को और नोटिस किया जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, क्योंकि हम सामान के इंग्रेडिएंट्स को तो पढ़ लेते हैं पर उनकी जो क्वांटिटी लिखी होती है ना उस पर ध्यान नहीं देते। तो हम दंत कांति का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें पीछे लिखा है कि जितने भी 10 ग्राम है उनमें इन सभी प्रोडक्ट्स के जो है वो एक्सट्रैक्ट है ना,
अब हमने ये तो कैलकुलेट किया कि इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जो दिया हुआ है इन सबकी क्वांटिटी कितनी है, तो ये क्वांटिटी बनी 165 mg। और पूरा इन्होंने बताया क्या था कि 10 ग्राम में ये सारे इंग्रेडिएंट है, तो बाकी की जो क्वांटिटी बची उसमें क्या है वो तो आप खुद ही समझदार हैं। और बाकी आप ये भी सोच सकते हो कि जिस प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक कहकर बेचा जा रहा है एक्चुअली में उसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट ही कितना है, पर इसे कोई भी नोटिस नहीं करता क्योंकि बाबा रामदेव एक काफी अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। उनकी योग गुरु की इमेज को सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। पतंजलि का फेस होने के बावजूद उनका पतंजलि में कोई भी शेयर नहीं है, पर वो जितने भी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं ना उनकी रियलिटी को लेकर उन पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं और उन्हें मिलियनर्स कामदेव का नाम भी दे दिया गया, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग इनके प्रोडक्ट्स के इंग्रीडियंट्स को अच्छे से डिस्कवर कर रहे हैं क्योंकि लोगों को रियलिटी से दूर रखा, सच को ठीक से नहीं बताया गया और ये भी तो एक तरह से धोखा ही है कंज्यूमर्स के साथ। वी आर ग्लैड कि एक ऐसा ब्रांड जिसमें आयुर्वेदिक एलिमेंट्स है और जो स्वदेशी है वो टॉप कंपनीज में से एक बना है। पर अब पतंजलि को उन पर जितनी भी एलिगेशंस लगी है उसको सीरियस लेना होगा और अब उन्हें सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर एक एग्जांपल सेट करना होगा, वरना उनके ऊपर जो मिलियनेयर बाबा स्कैमदेव वाला टैग लगा है उसको हटाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब लोग झूठ आसानी से पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं गुरुज के फॉल्सहुड को। जैसे रिसेंटली कई लोगों ने देवगढ़वी के फॉल्सहुड को भी डिस्कवर किया है। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये रही वीडियो। जय हिंद।